ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कला संस्कृति प्रभाग की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रारंभ हम सभी स्वागत सत्र से प्रारंभ करेंगे। आज के इस रिसेप्शन सेशन के अंदर आप सभी ज्ञान सरोवर के सुंदर प्रांगण के इस सुंदर हारमोनी हाल के अंदर बैठे हुए हैं। आपका बारंबार तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, हृदय से कला संस्कृति प्रभाग के सभी सदस्यों की ओर से मैं आप सबका पुनः पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। रिसेप्शन सेशन के अंदर हमारे जो भी मुख्य प्रवक्ता आज आ चुके हैं, उन सब से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर पधार कर मंच को सुशोभित करें। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य ब्रह्मा कुमार भाई बहने, वरिष्ठ भाई बहने, उन सबको मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी कुसुम जी, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार दयाल जी, पांडव भवन माउंट आबू स्पोर्ट्स विंग के वाइस चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारी शशि प्रभा जी, हमारे मुख्य अतिथि ब्रदर उमेश शुक्ला जी जो कि मुंबई से पधारे हैं, ब्रदर हेमंत आचार्य जी आप भी मुंबई से पधारे हैं, जो भी सभा में विराजमान हैं उन सब से अनुरोध है कि वो मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें, जिससे आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शशि बहन जी भी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। हम सब अपने वक्ताओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करतल ध्वनि से करते रहेंगे, करते रहेंगे। और अभी हम सभी प्रभु की स्मृति से आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम सत्र, स्वागत सत्र प्रारंभ करेंगे। ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का गायन चला आता है, तो स्वागत सत्र के अंदर हमारे माननीय वक्ताओं का आपने करतल ध्वनि से तो स्वागत किया ही किया है, लेकिन स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत बुके और बैज के द्वारा करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मधुर वाणी ग्रुप भी तैयार रहे।
सर्वप्रथम हमारी आदरणीय कुसुम बहन जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, हमारे भ्राता जी का स्वागत कर रहे हैं, हमारी आदरणीय शशि बहन जी का स्वागत हो रहा है। इस हारमोनी हाल के मंच से इतने वर्षों से लगातार जितने भी विंग्स के कार्यक्रम होते हैं उन सब का स्वागत अपने मधुर गीतों के द्वारा प्रति वर्ष करते ही रहते हैं तो ऐसे रूहानी कलाकारों का आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और अनुरोध करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप से स्वागत गीत करने के लिए। हमारे बीच में हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी भी, डॉक्टर निर्मला दीदी जी भी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत हमारी रजनी बहन बुके दे करके बैज लगा करके कर रही हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से आज तो सारा आबू ही गूंज जाना चाहिए, मालूम चले कि आबू की धरती पर भारतवर्ष के सेलेक्टेड कलाकार ईश्वर प्रेमी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ओम शांति। ज्ञान सरोवर में प्यारे कलावंत आए हैं, कला जगत के मनीषी महंत आए हैं, कला संस्कृति का मधुर मकरंद लाए हैं, अरावली की फजा में बसंत लाए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे इन कलाकारों का आपका अभिनंदन कर लें। आज बड़ी खुशी की बात है साथियों, ये जो गीत गाने जा रहा हूँ ये आप हमारे सामने बैठे हैं मंच पर हमारे आदरणीय माननीय हेमंत आचार्य जी से जरा अभिवादन स्वीकार करें, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आपने म्यूजिक बनाया है, ट्रैक वो है, गीत स्वागत का आपके सामने आपके लिए प्रस्तुत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ और स्वागत करें। ज्ञान सरोवर में प्यारे कलावंत आए हैं, ज्ञान सरोवर में प्यारे कलावंत आए हैं, कला जगत के मनीषी महंत आए हैं। मनीषी महंत आए हैं, कला जगत के मनीषी महंत आए हैं, कला संस्कृति का मधुर मकरंद आए हैं, कला संस्कृति का मधुर मकरंद लाए हैं, अरावली की फिजा में बसंत लाए में बसंत लाए सकल जमाना है, कलाकार में खाना है तो बदला सकल जमाना है, उठो कलाकारों
फिर से इतिहास वही दोहराना है। उठो कलाकारों फिर से इतिहास वही दोहराना है। परिवर्तन का नारा करने, परिवर्तन का नारा करने ये बुलंद आए हैं। करावली की फजा में बसंत लाए हैं। कला जगत के मनीषी महंत आए हैं। साथ चले हैं महाबली, राम जी की सेना चली साथ चले हैं महाबली। अब तो माया रावण की सेना में मची है खलबली। अब तो माया रावण की सेना में मची है खलबली। हनुमान यही, सुग्रीव यही, हनुमान यही, सुग्रीव यही और जामवंत आए हैं। अरावली की फजा में बसंत लाए हैं। कला जगत के मनीष महंत आए हैं। कला के सभी विधाओं से आए सभी दिशाओं से, कला के सभी विधाओं से आए सभी दिशाओं से। गोवर्धन उठ जाएगा सबके सहयोग की बाहों से। गोवर्धन उठ जाएगा सबके सहयोग की बाहों से। प्रभु कलाकार को आप बेहद, प्रभु कलाकार को आप बेहद पसंद आए हैं। अरावली की फजा में बसंत लाए हैं। कला जगत के मनीषी महंत आए हैं। ज्ञान सरोवर में प्यारे कलावंत आए हैं। ज्ञान सरोवर में प्यारे कलावंत आए हैं। कला जगत के मनीषी महंत आए हैं। अरावली की फजा में बसंत आए हैं। कला जगत के मनीषी महंत आए हैं। अरावली की फजा में बसंत आए हैं। कला जगत के सभी मनुष्यों का, महंतों का हृदय से मधुर ध्वनि से हमारे मधुर वाणी ग्रुप ने गीत प्रस्तुत किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ चंडीगढ़ से पधारे हुए ग्रुप को, जितेंद्र किंगरा एंड ग्रुप चंडीगढ़, वेलकम डांस लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं।
आप सबका वेलकम डांस करने से पहले इस मंच पर आप सबका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद जतिंदर किंगरा ग्रुप का जो कि चंडीगढ़ से विशेष इस सम्मेलन में पधारे हैं। आप सबका स्वागत अभी अभी गीत के द्वारा और नृत्य के द्वारा तो हो ही चुका है, अब स्वागत होना है शब्दों से, और वो करेंगी हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन जी, जो कि चंद्रपुर से पधारी हैं। आप हमारे विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप 1971 से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, और यह जो सम्मेलन आज यहाँ पर आयोजित हुआ है आपके ही निर्देशन में आयोजित हुआ है। आप पीस ऑफ माइंड चैनल मराठी सेक्शन के भी डायरेक्टर हैं। चंद्रपुर गढ़चिरौली वनी डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मा कुमारी संस्था के राजयोग सेवा केंद्र के सभी ब्रांचेस का आप कुशलता से संचालन करते हैं। तो अब हमारे मध्य हमारी आदरणीय कुसुम बहन जी। ओम शांति। सबसे पहले आज जिनकी विशेष प्रेरणा से आप सभी के लिए, विशेष कलाकारों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जो हम सभी के परमपिता परमात्मा शिव हैं, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करती हूँ और उनका बारंबार स्वागत करती हूँ। साथ आज हमारे बीच हमारी परम आदरणीय, हमारी स्नेही निर्मला दीदी जी, जो आप ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं, आप विशेष सरलता की मूर्त, जैसे नाम आपका निर्मला दीदी जी है वैसे ही अंतकरण से भी निर्मल, ऐसी हमारी स्नेही दीदी जी का मैं दिल से स्नेह से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान भ्राता हेमंत आचार्य जी, जिन्होंने अपने कई गीत बनाए भी हैं, और आप संगीतकार हैं, गायक भी हैं, बॉम्बे से पधारे हैं। कल आपका एक घंटे का प्रोग्राम भी है, जो विशेष वो गीतों का प्रोग्राम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर इस विशेष कलाकारों के कार्यक्रम के लिए आप भी एक कलाकार मेहमान बनकर के हमारे बीच पधारे हैं। आपका दिल व जान से मैं शुक्रिया अदा करते हुए स्वागत करती हूँ। बॉम्बे से हमारे दूसरे मेहमान उमेश शुक्ला जी, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, आप भी हमारे बीच पधारे हैं, विशेष समय निकालकर आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ हमारी स्नेही शशि बहन जी, जो आप स्पोर्ट विंग की उपाध्यक्षा हैं और मधुबन निवासी हैं, बहुत हमारी स्नेही बहन हैं और हमारी शुभचिंतक हैं, हमें योग्य समय पर योग्य मार्गदर्शन भी करती हैं। आपका भी मैं दिल व जान से स्वागत करती हूँ। साथ साथ हमारे संजय भाई, आप भी बॉम्बे से पधारे हैं, विशेष
इस संस्था की जो गतिविधि है उसके बारे में आपके सामने वो अपने शब्द रखेंगे, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे अनिल भाई जी जो आपका थैंक्स अदा करने के लिए आए हैं, आप भी इस कल्चरल विंग के एक्टिव मेंबर हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। तथा आज बड़े स्नेह से, बड़े सुचारू रूप से हमारी जो पूनम बहन मन संचालन कर रही हैं, आप विशेष दिल्ली से पधारी है इस सेवा के लिए, और आप हमारे दिल्ली के इस विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। तथा जिन बच्चों ने अभी आप सभी के सामने नृत्य के द्वारा आप सभी का स्वागत किया, उन बच्चों का भी स्वागत करती हूँ, मधुरवाणी ग्रुप का भी स्वागत करती हूँ। तथा आप सभी सभा में उपस्थित मेरे स्नेही, परमात्मा के स्नेही, उसके बच्चे कलाकार, सभी भाई बहनों का दिल व जान से, सिख व प्रेम से बारंबार स्वागत करती हूँ। ओम शांति। आदरणीय कुसुम बहन जी का भी हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कला एवं संस्कृति प्रभाग बना रहा है सबका बाग, सेवाओं की धूम आपके निर्देशन में चहुं ओर बिखरा रही है, रूहानी राग रूहानी राग रूहानी राग। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ब्राता ब्रह्मा कुमार संजय जी को, जो कि मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। आप पिछले 25 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर विंग के ऐसे कॉन्फ्रेंस में प्रतिवर्ष आप आते भी हैं और अपने साथ साथ अनेक टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को भी साथ में लाते रहते हैं। वैसे आप मुंबई में सर्विस के साथ साथ फैमिली बिजनेस भी संभालते हैं, अपनी फैमिली भी और बिजनेस भी संभालते हैं, साथ साथ संस्था की अनेक सेवाओं में सक्रिय रहते हैं। तो आप एक सुंदर एग्जाम्पल हैं सबके लिए, व्यवसाय और परमार्थ का बैलेंस रखकर चलने वाले। तो ब्राता संजय जी को निमंत्रण है, संस्था की गतिविधियों के बारे में हमें अवगत कराएंगे। ओम शांति। आप सबका पुनः स्वागत है। इस संस्था का परिचय जैसे आपको इस फोल्डर्स में आपको दिया हुआ है, पूरे रीत सर यहाँ पर आपको देख रहा है, आपके फोल्डर में ये दिया हुआ है। मैं सार में आपको केवल यही बताऊँगा कि संस्था का नाम जैसे है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस नाम में ही इसका परिचय है। प्रजापिता यानी हम सब आत्माएँ जो है परमात्मा की संतान है, प्रजा है, राजा है पिता परमात्मा, तो प्रजापिता परमात्मा हमारा पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं ब्रह्मा कुमारीज, तो क्योंकि ये बहनों और माताओं द्वारा संचालित की है। बहनों और माताओं को आगे रख के, अन्य सबको आगे ला के, बहनों में जो कि एक मातृत्व का पालना के जो संस्कार हैं उनको आगे रख के, क्योंकि ये संस्था की स्थापना 1936-37 में हुई थी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो उस वक्त बहनें और माताओं को इतना स्थान नहीं दिया गया था। तो इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी इसके लिए रखा ताकि बहनों और माताओं के नाम से और बहनें और माताएं संस्था से जुड़ें। ईश्वरीय, ये संस्था किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी जाति की नहीं होके संपूर्ण विश्व की है, इसलिए ईश्वरीय जो है संपूर्ण विश्व का पिता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात ये संपूर्ण विश्व के मानव के उत्थान के लिए एक सिस्टमेटिक एक पाठ्यक्रम को, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दी जाती है। तो इस नाम में इस संस्था का पूर्ण परिचय है। संस्था की स्थापना 1936-37 में अविभाजित भारत, जिसको सिंध हैदराबाद कराची में जो इंडिपेंडेंट के पहले वहाँ पर हुई थी, वहाँ पर दादा लेखराज कृपलानी जो बहुत ही बड़े एक व्यापारी थे,
जिसके बारे में आपको आगे आने वाले सत्रों में संस्था का जो है परिचय उसके बारे में विद्यालय के बारे में जो एक सत्र होगा उसमें आपको सब विस्तार बताया जाएगा। तो उनके माध्यम से परमात्मा ने उसको निमित्त बनाया और इस संस्था का कार्य चलाया। साथ ही साथ संस्था जो है यह एक स्पिरिचुअल सोशियो एजुकेशनल सोसाइटी के रूप में कार्य करती है, यानी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती है। जिस प्रकार से आप देखते हैं हर विद्यालय का कुछ न कुछ एम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक इसी तरह से इस विद्यालय का भी एम और ऑब्जेक्ट है। तो वो एम और ऑब्जेक्ट यही है कि संपूर्ण सृष्टि जो आज जहाँ पर चारों ओर हाहाकार, अत्याचार, दुराचार या दुख अशांति हो गई है, तो संपूर्ण विश्व में सुख और शांति की पुनर्स्थापना करना। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे होगा सुख और शांति की स्थापना, तो हम कहते हैं जी हाँ हो सकता है। तो किस माध्यम से, तो ऐसी आत्माओं का, ऐसे संगठन का निर्माण जिनके माध्यम से इस कार्य को हम संपूर्ण कर सकते हैं। तो वो संपूर्ण उन आत्माओं का, उन समूह को जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, एक एग्जाम्पल जिनको देख के, जैसे कि आपके भी जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर बहने हैं या भाई हैं, उनको देख के आपको कुछ ना कुछ अनुभव होता होगा। तो एक समूह का निर्माण और उस समूह के माध्यम से संपूर्ण विश्व परिवर्तन का कार्य, तो ये इस तरह से ये एक संकल्पित कार्य है और ये एक ईश्वरीय कार्य है। और ये संस्था जो है सारे विश्व में लगभग 137 देशों में 8500 सेवा केंद्रों के माध्यम से यह ईश्वरीय कार्य कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसका मुख्यालय माउंट आबू, जहां पर आप सब लोग आए हुए हैं, आप पधारे हुए हैं। इस माउंट आबू में हमारे तीन अलग अलग स्थान हैं। सबसे पहले पांडव भवन, जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय, जो यहाँ पर नक्की लेक पे हैं, जहाँ पर आप जाएंगे साइट सीन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ शशि बहन जी भी आप वहाँ पर सही पधारी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे डीप इंटेंस मेडिटेशन कोर्सेस होते हैं। हमारे हम जो ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं 9 लाख से भी अधिक जो हम यहाँ पर ईश्वरीय संस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी डीप मेडिटेशन टेक्निक्स वहाँ पर हम अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए आते हैं। वो हमारा संस्था का मुख्यालय है। दूसरा जो है बहुत ही विहंग मार्ग में जो सेवा हो रहा है वो शांतिवन, जिसे आप वाइल रिटर्निंग आप उसको देखेंगे, जहाँ पर कि हमारे विश्व में तीसरे नंबर का और एशिया में नंबर वन का विदाउट पिलर बहुत बड़ा एक वहाँ पर ऑडिटोरियम है जिसका नाम है डायमंड हॉल, उसको भी आप देखेंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर रचना है। और शांतिवन की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सोलार सिस्टम, आपको लगभग 35,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए सोलार सिस्टम से बनने वाला जो हमारा भंडारा, जिसको हम भोजन बनाने का जो भोलेनाथ का भंडारा है वो कक्ष है, और लगभग 20,000 लोगों की रहने की वहाँ पर व्यवस्था है। बहुत ही विहंग मार्ग की सेवाएँ होते हैं। और तीसरा जो कैंपस है जहाँ पर आप सब लोग पधारे हुए हैं, आप इस वक्त विराजमान हैं, एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर, जी हाँ, जहाँ पर हर वर्ग के लोग, लगभग हमारे 20 विंग्स हैं जिसमें से यही एक आर्ट एंड कल्चर विंग है जिसकी ये संस्था, ये सेमिनार हो रही जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं। इस प्रकार से लगभग 20 विंग की सेवाएं यहाँ पर होती है, यानी 20 विंग का अर्थ है अलग अलग प्रोफेशन में रह के, जैसे हम बिजनेस में हैं और भी हमारे जैसे कोई फिल्म में है, कोई अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उन लोगों को इस ईश्वरीय ज्ञान और योग को धारण करके उस प्रोफेशन में कैसे उस प्रोफेशन को भी बढ़ाएं और उस प्रोफेशन में वैल्यूज़ और एथिक्स को लाके अपने जीवन को सुखमय एवं शांति में बनाएं, क्योंकि संस्था का मूल उद्देश्य ही है संपूर्ण विश्व में सुख और शांति की स्थापना करना। और हम एक एक इकाई जब समाज में रहती है और अगर हम उदाहरण बनकर अपने जीवन को अपने अपनाएं, आप कलाकार भी, आप कलाकारों में भी हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं, जैसे कि अमित मिस्त्री भाई है, और भी बहुत सारे हैं बम्बई से आए हुए हैं और भी अनेक अनेक स्थानों से आए हुए हैं, वो भी मोनिका पटेल है, शी इज़ ऑल्सो द गुड एक्ट्रेस बॉलीवुड की। तो ऐसे बहुत सारी भाई बहन हैं जो आपके ही विंग्स में, विंग्स यानी आपकी प्रोफेशन में रह के इस ज्ञान को धारण करके उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनके माध्यम से अनेक लोग प्रेरित होकर यहाँ आते हैं, जुड़ते हैं और कारवां चलता है। और ये इस
ज्ञान सरोवर का जो मुख्य कार्य है वो ये है। आपको साथ साथ में ये भी बताना चाहेंगे, ये हारमोनी हॉल है जहाँ बैठे हुए हैं, इसके ठीक ऑपोजिट में ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर उस सारे विंग की ट्रेनिंग्स होती हैं, सेवाएं होती है। और साथ साथ में अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे होता है तो हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी है, आप प्लीज़ इसका ज़रूर सहयोग ले सकते हैं। आप पाएंगे यहाँ पर आर्ट यहाँ पर आर्ट गैलरी है जहाँ पर संस्था के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से यहाँ पर आपको इसके बताया जाएगा विजुअल इफ़ेक्ट्स के द्वारा और मॉड्यूल्स के द्वारा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक गुंबद के प्रकार का जो है बाबा का कमरा, जहाँ पर आप जाके जब आपको समय मिलता है वहाँ पर जाके आप बैठें, दो पाँच मिनट बैठें, आप एकदम शांति का अनुभव करेंगे। जैसे शांति का अनुभव करेंगे आपकी बुद्धि एकाग्र होगी और बुद्धि की एकाग्रता से आपके मन में जो आने वाले विचार या लेने की निर्णय लेने की क्षमता ये आपकी बढ़ेंगी। ये कैंपस बहुत ही सुंदर है और अनेक प्रकार से यानी सुविधाओं से भरपूर है। जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं यहाँ पर लगभग 1600 भाई बहनों के बैठने की व्यवस्था है, 16 जितने लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेशन किया जाता है और बहुत सारे प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं आपको और भी आगे इसमें सत्रों में आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे आप जिस स्थान पर रुके हुए ये पहाड़ों के बीच में हैं, सुंदर वादियों में हैं, लेकिन एक बात का हम आपको अनुरोध करेंगे क्योंकि हम पहाड़ों में हैं तो बहुत सारे चीज़ें आपको समझ सकते हो, जानवर वगैरह आदि वगैरह होते हैं। वैसे तो ये दिन के समय में शाम के समय में नहीं आते हैं, रात के समय में आते हैं निकलते हैं, तो कृपा करके जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में ही रहिए, उसके बाहर और गेट के बाहर वैसे न जाएं। आपके गाइड भाई बहन आपके साथ में आए हुए हैं जो मार्गदर्शन देंगे, जो आपको गाइड करेंगे। आपको कोई भी प्रकार की आवश्यकता है निसंकोच होकर आप हम तक आइए, आपके गाइड बहन भाई बहन हैं उनको बताइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके जो भी है आपका इसके रिक्वायरमेंट को हम पूरा करेंगे। वैसे आप अपने ही घर में आए हो, प्रभु का घर ये आपका घर है, आपके घर में आप जैसे अपने घर में रहते हो और कोशिश करके अपने जो भी हैं कूलर्स जो आपके यहाँ पर पंखे हैं लाइट हैं तो आप कोशिश करके हम अनुरोध करेंगे कि उन सब का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी यही है कि हमको एनर्जी सेव करनी है, स्वच्छ रखना है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करें और आप इसका पूरा पूरा लाभ लें। और पूरे 3 दिन हैं, 3 दिन में आपको 2 दिन सेशन अटेंड करने हैं और 1 दिन अच्छी तरह से घूमना है। तो आप लोगों से और एक अनुरोध भी है कि आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है तो आप लोग इसका अच्छी तरह से लाभ लें। और घूमना तो आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, आप घूमिए मौज कीजिए अच्छी तरह से चलिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि होने वाले सत्रों का आप ज़रूर पूरा पूरा लाभ उठाएँ और अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाएँ। धन्यवाद, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्राता संजय जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में संस्था का परिचय और संस्था में चल रही गतिविधियों से हम सबका ध्यान खिंचवाया और साथ साथ हमको सारे सेशन अटेंड करने ही करने हैं। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी से फुलफिल होकर के यहाँ से जाना है, घूमने के साथ साथ जहाँ आप ठहरे हुए हैं उस जगह का भी आप सबने ध्यान रखना है। तो सरल शब्दों में जस के ले की पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात, आपको सब बताया, पुनः पुनः धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहन जी शशि प्रभा जी को, जो कि माउंट आबू में पांडव भवन में रहते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना, आप स्पोर्ट्स विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं और इस समय आप पूरे पांडव भवन कॉम्प्लेक्स का सुचारू रूप से निर्देशन करते हैं। आप संस्था की वरिष्ठ वक्ता भी हैं और हमारे पांडव भवन कॉम्प्लेक्स में पूरे वर्ष में कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहते हैं जिनका निर्देशन आप बखूबी करते हैं। तो अपनी शुभकामनाएं हमारे बीच में रखेंगी हमारी आदरणीय शशि दीदी जी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के भगिनी संस्था राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत
आर्ट एंड कल्चर विंग में पूरे भारत से पधारे हुए सभी भाई बहनों का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस विद्यालय के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा तथा वर्तमान समय इस विद्यालय के मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी, जिनकी वर्तमान आयु है 92 ईयर्स, उनकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जब जब कलाकारों को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि की शोभा, एक सुंदर बगीचे के विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों का संगठन यहाँ पर एकत्रित हुआ है। कलाकारों के लिए इस विद्यालय के पिता श्री जी हमेशा कहा करते थे, ये कलाकार इस विश्व के अंदर एक नई आध्यात्मिक क्रांति ला सकते हैं। इन कलाकारों के अंदर इतनी शक्ति है, इतने गुण हैं, और उन गुणों के द्वारा हर एक के मन को और उनके जीवन के अंदर बहुत कुछ अनुभूतियाँ करा सकते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि परमात्मा भी एक महान कलाकार हैं। उस महान कलाकार ने आप सभी कलाकारों के अंदर न जाने कितनी विशेषताएं भर दी हैं। और दूसरी बात, इस सृष्टि को भी ड्रामा कहा जाता है, रंगमंच कहा जाता है। इस रंगमंच के अंदर हर एक आत्मा कलाकार हैं, हर एक मनुष्य कलाकार हैं, और वह कलाकार अपने अपने विभिन्न रोल्स को विभिन्न रीति से बजा रहे हैं, जीवन के अंदर चल रहे हैं। कभी खुशी से चलते हैं, कभी दुख से चलते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं और कभी हंसाते हैं। लेकिन आप कलाकार ऐसे हैं, आप कलाकारों के अंदर ऐसी विशेषताएं बनाई हैं, ऐसी विशेषताएं परमात्मा ने भरी हैं, उन विशेषताओं के आधार से आप फिल्म जगत के अंदर, ड्रामा के अंदर, अपनी लेखनी के अंदर, अपनी कला के द्वारा ना जाने मनुष्य के मन के ऊपर कितनी बड़ी अमिट छाप डाल देते हैं। तो कलाकारों को देख करके खुशी भी होती है और उनको मिल करके हमें ऐसी प्राप्ति होती है, जैसे कि गीत गाने वाले कलाकार हैं, जब मधुर आवाज़ में और ऐसे सुंदर शब्दों से संगीत हमारे सामने रखते हैं, हमारे मन की भावनाएं एक सेकंड के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे कलाकार दिन प्रतिदिन अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। लेकिन शुभकामना के साथ साथ एक दो बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। कलाकारों को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस सेमिनार के अंदर सबसे बड़ी जानकारी प्राप्त होगी कि आप कोई छोटे कलाकार नहीं हैं, आप एक महान कलाकार हैं। और महान कला को पार्ट बजाने का, उसको प्रस्तुत करने वाली शक्ति क्या है, वो है आत्मा। और वो आत्म रियलाइजेशन से, सेल्फ रियलाइजेशन से हमारे अंदर जितने वर्चुअल्स हैं, कलाएं हैं, उसको हम ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे कि सागर की लहरें सारे विश्व के अंदर एक शांति की प्रकंपना फैलाती हैं, एक छोटा सा एटम सारे विश्व के अंदर ना जाने कितनी बड़ी क्रांति ला देता है। एक छोटे एटम के द्वारा हम बिजली पैदा करते हैं, छोटे एटम के द्वारा एरोप्लेन्स में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सभी साधनों का प्रयोग करते हैं, वही एक छोटा सा एटम जो है डिस्ट्रक्शन का कार्य भी कर देता है। लेकिन परमात्मा ने हमें ये सिखाया है कि कलाकारों को क्या करना है, सदा परमात्मा का ये धन्यवाद देना है कि परमात्मा ने हमें ऐसी कलाएं दी हैं, उन कलाओं के द्वारा हम स्वयं का कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें। इसमें कभी कभी देखा गया है कि हमारे कलाकार जो हैं, कलाओं में एक्सपर्ट तो बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कंपटीशन, कभी कभी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी
और कई ऐसी बातें आ जाती हैं, अभिमान आ जाता है, जो हमारी कलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग जाता है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। एक कलाकार थे, वो इतने सुंदर आर्टिस्ट, वो ऐसा आर्ट मूर्ति बनाते थे और उन मूर्ति को देख करके पता नहीं पड़ता था कि इसमें रियल व्यक्ति कौन है और मूर्ति कौन सी है। तो एक बार उस कलाकार ने 5 मूर्तियाँ बनाई और ख़ुद उसमें रियल व्यक्ति मूर्ति के रूप में खड़ा हो गया। तो लोगों को कहा कि इसमें पहचाना जाए कि रियल कलाकार कौन है। तो जब वो आए, देखते रहे, तो हर एक ने अपने अपने कमेंट्स पास करना शुरू कर दिया। एक ने कहा ये कलाकार कैसा है, इसका मुंह ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा ये कलाकार बड़ा अजीब सा है, इसने हाथ ठीक नहीं किए हैं। तीसरे ने कहा ये मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमी ज़रूर दिखाई देती है। सब ने उसकी कमियाँ ही बोलना शुरू कर दिया। सुनते सुनते अंत में उसको इतना गुस्सा आया और ज़ोर से बोला, आप क्या समझते हैं, मैंने इतने महीने से लगाकर इतनी मेहनत से ये मूर्तियाँ ऐसी रियल रूप में बनाई हैं, अभी भी आपको ऐसे कमी दिखाई दे रही है। तो देखने वालों ने कहा यही हम ढूंढना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर कितना अहंकार है। तो ये अहंकार मनुष्य का उसको गिरावट की ओर ले जाता है, अहंकार उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। इस पर एक और छोटी सी कहानी थी, हम बचपन में हमें सिखाया करते थे कि एक बार की बात है, एक कलाकार इतना अच्छा था कि जितनी वो कलाएं करता था समाज के लोग उसकी महिमा करते थे, लेकिन उसका पिता कभी भी उसकी महिमा नहीं करता था। तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरा पिता मेरी महिमा नहीं करता है। तो उसको गुस्सा आया, इसलिए वो घर बार छोड़ करके चला गया और वहाँ जा कर के उसको बहुत मान शान मिला, बहुत आगे बढ़ा। लास्ट में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसके मान शान के साथ साथ उसका अपमान भी करता था। फिर उसे अपने पिता की याद आने लगी, वो अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा मैं यही चाहता था कि तुम्हारी प्रगति में कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। अगर मैं भी तुम्हारा महिमा करता तो अभिमान की बहुत बड़ी बाधा तुम्हारे जीवन में आने वाली थी, इसलिए अभिमान को लेकर के तुम भाग गए। आज से ये प्रण करो कि मुझे अपने जीवन के अंदर अभिमान नहीं लाना है। मुझे क्या करना है, जो परमात्मा ने कला दी है उसको स्वच्छ मन से, पवित्र मन से और श्रेष्ठ कर्म से उस कला को आगे बढ़ाना है। तो कलाकारों से हमारा यही निवेदन है, पिताश्री जी इस विद्यालय के संस्थापक जैसे जैसे कलाकारों को देखते थे तो उनकी हमेशा ये कहा करते थे, ना जाने कितने सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा ने इनको इतना बड़ा कलाकार बनाया है। तो रियल कलाकार के लिए पिताश्री जी कहा करते थे, अपनी कलाओं के साथ साथ मन का डांस करो, मन में खुशियों में नाचो, कभी भी मन को रंज नहीं करो, मन में दुख नहीं लाओ, ना किसको दुख दो ना दुखी बनो। कहते हैं ना, दुख देंगे तो पहले खुद को दुख होता है। तो पिताश्री जी ने ये कहा था, कलाकारों को सदा ये ध्यान रखना है कि हम खुशी में नाचते रहें। अभी हमने नन्ही बालिकाओं के द्वारा देखा, सुंदर नृत्य किया। जब कभी कोई नृत्य करता है, नृत्य करने वाले भी नाचते हैं और देखने वाले के अंदर वैसी फीलिंग्स आती हैं। तो जब कलाकार मन में खुश रहेंगे, मन में सदा संतुष्ट रहेंगे और उनकी कलाओं को 4 चंद लग जाएंगे और वो विश्व के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे कि कला के द्वारा पूरे विश्व के अंदर भाईचारे की भावना, सद्भावना और मानव को मानव का सत्कार देने की भावना और सारे विश्व के अंदर एक नई क्रांति लाएंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सभी कलाकार मिल करके प्रभु प्रेमी बने,
परमात्मा को अपना साथी बनाएं. परमात्मा ही महान कलाकार हैं जिसने आपको ये कार्य करने के लिए बहुत बड़ी कलाएं दी हैं. परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आपस में मिलकर के सारे विश्व के अंदर कलाओं के द्वारा एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएं जिसके द्वारा हर मानव अपने दुखों को भूलकर सदा खुशी में नाचे, प्रभु के गीत गाए, एक दूसरे का सत्कार करे, भाईचारे की भावना रहे. इन्हीं शब्दों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत. फिर आपसे मिलते रहेंगे. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय शशि दीदी जी का, जिन्होंने अपनी शुभकामनाओं में आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के भी सब कलाकारों के प्रति क्या आशाएं थी अपनी शुभकामनाओं में उसको स्पष्ट किया. और आप सबसे भी उम्मीद रखी कि आप अवश्य इस सम्मेलन के द्वारा जो पिता श्री बाबा की शुभकामनाएं हैं कलाकारों के लिए उसको आप अवश्य पूरी करेंगे. मैं आदरणीय दीदी जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप हैं भगवान के अनमोल रतन. आप हैं भगवान के अनमोल रतन. सब कलाकारों का हो आध्यात्मिक सशक्तिकरण, यही करते रहते आप हमेशा मनन चिंतन मनन चिंतन. अब मैं अगले वक्ता हमारे माननीय अतिथि भ्राता उमेश शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो भी अपनी शुभकामनाएं रखेंगे. आपने अपने कैरियर की शुरुआत कॉलेज के ज़माने से वन एक्ट प्ले के साथ की. 7 हिंदी फिल्मों में आपने एक्टिंग की है, जैसे कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी, डोली सजा के रखना. आपने 20 से भी अधिक प्ले में अपनी एक्टिंग की है और निर्देशन भी किया है. आप 9 से अधिक प्ले के प्रोड्यूसर रह चुके हैं. आप 13 टीवी सीरियल्स के लेखक हैं और सबसे बढ़कर सुप्रसिद्ध फिल्म OMG ओ माई गॉड फिल्म के आप राइटर डायरेक्टर हैं. तो ऐसे विशिष्ट कलाकार का हम करतल ध्वनि से स्वागत भी करते हैं और शुभकामनाएं देने का अनुरोध करते हैं भ्राता उमेश जी. ओम शांति. शुरुआत मैं मेरे बचपन से करना चाहूँगा. ब्राह्मण परिवार से मैं पैदा हुआ और हमारे घर में संस्कार थे कि मतलब हमारे जो बाप दादा थे उनका जो घर में जाकर पूजा पाठ करवाते हैं वो हमारा व्यवसाय था. हमारी रोज़ी रोटी मतलब हमारे घर में जो भी अन्न जो आता था वो पूजा पाठ करवाने से आता था. तो मैंने भी वो शिक्षा मेरे दादाजी से और पिताजी से ली थी और मैं भी लोगों के घर में जाकर पूजा पाठ करवाता था. सत्यनारायण की कथा, शादियाँ करवाना, जनोई, लक्ष्मी पूजन, वो सब चीज़ें मैं करवाता था. पर जब भी मैं ये सब करवाने जा रहा था तब मुझे पता नहीं एक प्रश्न हमेशा उठता था कि ये क्या हो रहा है. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लोग एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे हर एक चीज़ को. जैसे हमारे में पूजा में एक विधि होती है कि नेत्र उदक स्पर्शः, मतलब आँख और कान को आप पानी लगाइए. तो बेचारा जो यजमान था वो हम बोलते तो बेचारा लगाता था ऐसे. तो मैं एक चीज़ और बोलता था कि नाक को भी पानी लगाइए. तो बेचारा वो नाक को भी लगाता था. अब मुझे लगता था कि ये क्यों इतना ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. एक भी सवाल उनके मन में नहीं उठता है कि नाक को पानी लगाने से क्या होगा, ईश्वर कहाँ से मिलेगा. पर ये ऐसा होता था जब पूजा करवाते थे. मेरे पिताजी ऐसे आँख निकाल के हम बोलते थे कि ऐसा मत करो, मस्ती मत करो यहाँ पे. फिर मैं बोलता था कि क्यों मस्ती ना करूँ. जब हम पूजा करवाने के लिए यहाँ आते हैं तो पहले ही हमें जो यजमान होता है बोलता कि महाराज 15 मिनट में निपटा दो ना, फटाफट करना आज. तो मुझे लगता था जो विधि 1 घंटे की है और आप मुझे बोल रहे हो कि 15 मिनट में करवा लूँ, मतलब आपका
मोटिव क्या है ये सब चीज़ें करवाने का, किस चीज़ की शांति आप ढूंढ रहे हो, और वो 15 मिनट में मिलेगी या 1 घंटे में भी मिलेगी, उसका आपको कौन जवाब देगा, या आपको क्या 1 घंटे में मिलेगी या 15 मिनट में मिलेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल उठते थे मेरे दिमाग में। पर जैसे जैसे बड़ा होते गया, वैसे स्कूल के बाद कॉलेज में आया, कॉलेज में प्लेस करने शुरू किए, महेंद्र जोशी हमारे गुरु थे उनके साथ प्लेस करने शुरू किए, फिर वहाँ से मेरा कर्मकांड के प्रति थोड़ा और मैं दूर होता गया, कर्मकांड से थोड़ा दूर होता गया, प्लेस में लग गया, सीरियल लिखना शुरू कर दी। ये सब चीज़ों के दौरान मेरे पास एक स्क्रिप्ट का डिस्कशन हुआ कि ये जो ओ माय गॉड जो फिल्म बनी है उसके पहले ये प्ले था जो हमने किया था कांजी विरुद्ध कांजी गुजराती में, फिर हिंदी में भी हुआ किशन वर्सेस कन्हैया, मराठी में भी हुआ केशवा माधवा, और फिल्में भी और 2 लैंग्वेज में बनी। ये जब फिल्म का निर्माण हो रहा था या प्ले का निर्माण पहले हो रहा था, उस वक्त मेरे वो संस्कार जो बचपन में जो मेरे दिमाग में जो सवाल उठ रहे थे, वो सारे सवालों के जवाब मैंने सोचा और मेरे राइटर ने सोचा भावेश मंडलिया ने, कि ये सारे सवालों के जो जवाब जो हम देना चाहते हैं वो ये फिल्म के माध्यम से या प्ले के माध्यम से लोगों तक ये पहुँचा है। तो ये जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें सारे सवालों के जवाब हम ट्राई कर रहे थे कि वो फिल्म के माध्यम से और प्ले के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए। तो मीडिया जो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जब आप जो ये शिविर में आए हैं 4 या 5 दिन की आपकी जो शिविर है, उसमें ये बात आप खास ध्यान रखना, जो हमने वो एक्सपीरियंस किया था वो फिल्म या नाटक बनाते वक्त, कि कोई जब भी कोई ड्रामा करे या फिल्म करे या डॉक्यूमेंट्री बनाए या लेखन कार्य करे या डिग्डर्शन करे, जो भी करे, उसमें कोई एक ऐसी भावना हो हमारी कि जिससे विश्व का कल्याण हो। वो अगर भावना रखेंगे कि कोई एक बात ऐसी आए हमारी कृति से कि जो लोग देखने के बाद या सुनने के बाद वो कोई एक चीज़ अपने दिमाग में रखे, अपने दिलो दिमाग में रखे। जैसे जैसे आप ये कोर्स करेंगे आपको काफ़ी चीज़ें ऐसे पता चलेगी कि हम कैसे संगम युग में हैं, अभी आगे जाकर क्या होने वाला है इस धरती पर, कितना बुरा वक्त आने वाला है। जैसे भी आप न्यूज़ की चैनल्स देखते हो तो कितने नेगेटिव चीज़ें आप देख रहे हो, रेप, खून, आतंक, सब कितना आजू बाजू दुख ही दुख फैला हुआ है। तो हमारी कला ऐसा कलाकार होने के नाते हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम सामने उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें पेश करें, उतना ही अच्छा मैसेज, इतना ही अच्छा, लोगों में इतनी ताकत भर दें कि लोगों को वो सब सहन करने की, लोगों से ज़्यादा पहले हम में वो सहन करने की शक्ति आए। ये शिवरात्रि, पिछली शिवरात्रि में मैं, हमारे जो संजय भाई थे वो हमें एक बोरीवली में जो एक फेस्टिवल था वहाँ पर मुझे लेकर गए थे, और वहाँ पर मुझे बिंदु बहन, दिव्या बहन, श्रेया बहन, नीता बहन, हम काफ़ी लोग मुझे मिले उस वक्त, और कहा कि आप ये कोर्स कीजिए 7 दिन का। तो मुझे लगा कि यार ये क्या होगा ये कोर्स में, पता नहीं। तो मैंने फिर भी इतना मैं वो था नहीं, इंक्लाइन नहीं था पहले, पर ऐसा था कि मैं जैसे ही जो पार्क में रोज़ वॉक करने जा रहा हूँ, वहीं से आते आते रोज़ मुझे वो बहनें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे आप सामने आती थी। और एक दिन मुझे नीता बहन और सपना बहन वहाँ थे, और उन्होंने कहा कि आप रोज़ आते हो, यहीं से गुजरते हो, तो एक कोर्स कर लीजिए आप। और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कोर्स करता हूँ, और वो कोर्स करने से, नीता बहन ने मुझे वो कोर्स करवाया, और वो कोर्स करने से मुझ में इतना फ़र्क आया कि मैं अभी बोलते बोलते भी रो पड़ूंगा। शायद ढाई या तीन महीने में मैंने एक भी गाली मुंह से नहीं बोली है। कभी कभी मैं व्यसन कर लेता था, मतलब शराब का सेवन करता था, पिछले 85 डेज से मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया है। यहाँ तक कि इससे हम जब कोर्स करेंगे तो पता चलता है कि हमें सेवा भी करनी है।
तो कम से कम मैंने 3 या 4 लोगों का तो मैंने शराब छुड़वाया है। काफ़ी लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप ये कोर्स कीजिए, और शुरुआत में मेरे घर से की है, तो मेरी माताजी भी अभी ये कोर्स कर रही हैं और उसने कोर्स कंप्लीट किया है और वो तो भाई जुलाई एंड में यहाँ आने भी वाले हैं। तो बात यह है कि अगर हमें, जब हम कलाकार, यहाँ इतने सारे कलाकार, मेरे दोस्त भी बैठे हुए, अमित भी यहाँ पर है, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, तो यही है कि आपके मन में, बिकॉज हम कलाकार होते हैं तो हर चीज़ को हर एक पहलू से देखते हैं, हमारे में संदेह भी आता है, सब तरह की चीज़ें आती रहती, क्योंकि हमें हर चीज़ को हर नज़रिए से देखने का हमें वो रहता है। जब भी हम कलाकार होते हैं, अगर गीत की रचना भी करनी होती है, तो अगर कौन सा गीत बनाना है, कैसा गीत बनाना है, तो हम लोग 9 रस से घिरे हुए होते हैं। कलाकार जो होते हैं वो 9 रस से घिरे होते हैं, जिसमें भय, ग्लानि, दुख, हास्य, आश्चर्य, ऐसे कई रंग जो हैं वो हमारे, कई भाव जो हैं हमारे आसपास इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, और तब जाके हम जो भी एक हमारी कृति जो हमें प्रस्तुत करनी होती है वो हम प्रस्तुत करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जब भी हम हमारी कोई भी कृति जो, या लेखन के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से हो, डायरेक्शन के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, उसमें वो प्योरिटी लाने की बात है, जो प्योरिटी आपको ये कोर्स करके 100% मिलेगी। आपको ये पता चलेगा आत्मा और शरीर का जो भेद है वो इतना फर्क पड़ेगा। अभी मैं संजय भाई के बाजू में बैठा था, उन्होंने कहा कि शुजीत सरकार भी यहाँ आते हैं, तो मैंने बोला कि मेरी जो फिल्म है अभी आने वाली 102 नॉट आउट, उनका जो भी क्रिएटिव प्रोडक्शन, जो लाइन प्रोडक्शन है, वो शुजीत सरकार ही कर रहे हैं, जिन्होंने पिंक फिल्म बनाई, पीकू फिल्म बनाई, मद्रास कैफे बनाई, विकी डोनर बनाई, इतने बड़े फिल्म के निर्देशक और निर्माता है, वो भी यहाँ आते हैं। और मैं भी आज यहाँ आकर, मुझे सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, पर मैं ये वातावरण से इतना खुश हूँ कि मैं चाहूँगा कि साल में 2 बार तो यहाँ मैं आऊँगा ही, और बाबा के ब्लेसिंग लूँगा ही। तो आप सबसे अनुरोध है, जैसे कि आप सब लोगों ने यहाँ पर जो बात की है, कि आप यहाँ जो भी अपना शिविर करने आए हैं उसमें मन लगा के अपना पुरुषार्थ करें, ताकि आपको बहुत सारी शक्ति मिले। और एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे, जब मैं एक जू के सेंटर पे गया था, वहाँ मुझे एक फ्रेम मिली थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि, जो मुझे एक बहन ने दी थी, कि अपने अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। तो अपना लक्ष्य इतना महान बना दो आप लोग कि व्यर्थ के लिए आपको समय ना मिले। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स ब्राता उमेश शुक्ला जी का, जिन्होंने अपने अनुभवों से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने क्या क्या जाते हुए परिवर्तन किया। तो अब आपके लिए भी बड़ा आसान हो गया है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आध्यात्मिकता को समझना। तो आपने अपने अनुभवों से हम सबके बीच में जो एक नई प्रेरणा जागृत कर दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके अनुभव से हमने जाना कि आप हैं सुप्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, अपने लेखन से बदला कईयों का करैक्टर, अध्यात्म से बन गए आप रूहानी एक्टर, रूहानी एक्टर, रूहानी एक्टर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आशीर्वचन के लिए अपनी आदरणीय दीदी डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी निर्मला जी को, जो कि इस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में जहाँ आप बैठे हैं, आप यहाँ की डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के एशिया पैसिफिक रीजन के आप डायरेक्टर हैं, जिसके तहत 15 देश 72 सेंटर्स की जिम्मेवारी है आप पर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड आदि आदि। 1962 में मुंबई में आप संस्था के संपर्क में आए, तब आप मेडिकल में
स्टूडेंट थे, 10 वर्ष तक ईश्वरीय सेवाओं के साथ साथ आपने मेडिकल प्रैक्टिस भी की और ईश्वरीय सेवार्थ अनेक देशों का भ्रमण करने के बाद 1978 से आप ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से सेवा दे रहे थे, लेकिन वहाँ की सेवाएं करने के बाद वर्तमान समय आप कई वर्षों से ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी के विषय में हमारी कुसुम बहन जी ने आपके सरल व्यवहार पर, सरल स्नेह पर चर्चा की थी, तो सरलता की, स्नेह की देवी हम सबके बीच में पधार रही हैं। आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है दीदी जी आपका इस मंच पर। ओम शांति। मंच पर उपस्थित आज के प्रवचन का तथा सभा में उपस्थित कलाकार भाई बहन, आप यहाँ जो आए हैं आपका बहुत बड़ा भाग्य है जो आपको यहाँ 4-5 दिन रहने का मौका मिला है। और यहाँ आप अपनी कला तो दिखाएंगे परंतु साथ साथ परम कलाकार परमात्मा से नया ज्ञान और योग भी सीख कर जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप भी उस कला को और भी ज़्यादा मनोरंजक बना सकेंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक शिक्षा ऐसी है जो आप कलाकारों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, क्योंकि कई बार कलाकार जब स्टेज पर जाते हैं तो थोड़ा नर्वस हो भी जा सकते हैं, परंतु मेडिटेशन सीखने के बाद आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए ये मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर यहाँ सीखना, और जो सवेरे का स्पेशली सेशन होता है 6:30 बजे का, वो कभी मिस नहीं करना, ताकि उसमें जो बेसिक नॉलेज ज्ञान और योग का मिलेगा उससे आपको बहुत बहुत जीवन में फ़ायदा होगा। तो इससे आपकी कला में और भी 4 चांद लग जाएगा, और दूसरा आपके जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे अभी अभी आपने सुना कि भाई साहब ने शराब छोड़ दिया, तो ऐसे बुरी आदतें जो है, शराब, सिगरेट, तम्बाकू आदि आदि, या हार्ड ड्रग्स है, वो छूट जाते हैं और आंतरिक खुशी आएंगी। और अपने अंदर कोई भी कमज़ोरी है या कोई भी नेगेटिव भाव है, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, आत्मविश्वास की कमी आदि आदि, वो आपके नेगेटिव भाव परिवर्तन होकर पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए ये आध्यात्मिक शिक्षा एक जीवन को बदलने वाली है, और जब आप बदल जाएंगे आपका परिवार बदल जाएगा और आप समाज को भी परिवर्तन कर सकते हो, प्रेरणा देख सकते हो, क्योंकि प्रवचन द्वारा
इतनी शिक्षा मिलती है वो जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं, परंतु फिल्म द्वारा या नाट्य द्वारा या गीत द्वारा जो शिक्षा मिलती है वो सहज धारण करना हो जाता है। तो इसलिए आप अपने में यहाँ से विशेष कला भर के जाना और आप उसको देखकर औरों को मनोरंजन तो कराएंगे परंतु उन्हों का जीवन भी परिवर्तन करा सकते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ पूरा लाभ लेंगे और आप वहाँ जाकर औरों को भी लाभ देंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी का। हमारी दीदी जी डबल डॉक्टर हैं। किस प्रकार से आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो बचपन से ही मेरे को ये शब्द जब किसी भी अध्यात्म क्षेत्र की महान हस्ती को देखते थे तो याद आते थे, वही शब्द आज आपके लिए भी याद आ रहे हैं क्योंकि आप डबल डॉक्टर हैं। इसलिए जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है, तो बात खुदा से होती हैं। ऐसे आप हमारी आदरणीय दीदी जी हैं जिन्होंने आप सबको अपने आशीर्वचनों के अंदर राजयोग शिविर के द्वारा हम खुदा से स्वयं ही सीधी बात कर सकेंगे, इसलिए उन शिविरों को अटेंड करने का पूरा पूरा ध्यान खिंचवाया है। आशा है आप सब भी उनके इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ आने का मात्र उद्देश्य ही यही है कि राजयोग शिविर अटेंड करके स्पिरिचुअल एनर्जी से फुलफिल होकर के हम सब यहाँ से जाएं। शुभकामनाएं देने की श्रृंखला में अभी मैं अनुरोध करती हूँ, मुंबई से पधारे हमारे भ्राता हेमंत आचार्य जी को। जिनको अभी अभी आप सुन भी रहे थे मधुरवाणी ग्रुप में, उनका थोड़ा सा परिचय, लेकिन फिर भी पूरा परिचय देना चाहूँगी क्योंकि परिचय बिना ना होए प्रीति, प्रीति बिना ना होवे प्रतीति। आज की सभा में इतने महान कलाकार हमारे बीच में आए हुए हैं तो जब तक उनका पूरा परिचय हमें ना हो तो हम उनसे पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए आपके परिचय में कि आपको जो ये संगीत विद्या विरासत में प्राप्त हुई है उसके प्रथम गुरु आपके स्वर्गीय पिता पंडित वल्लभ दास आचार्य थे, ग्वालियर घराने के लीलावती अजसुले जी और कोलकाता के श्री प्रबल चौधरी जी से आपने विशारद प्राप्त किया। आपका एक एल्बम सारे गामा इंडिया लिमिटेड HMV ने रिलीज़ किया है, जरा करतल ध्वनि से। 1989 से टीवी और एयर में आपने अनेक परफॉर्मेंस दिए हैं, तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीत विद्या के प्रवीण प्रवक्ता हेमंत आचार्य जी हमारे बीच में हैं। अनुरोध है अपनी शुभकामनाएं रखें। मंच पे विराजमान पुण्यात्माओं को मेरा सादर नमन, और इस इतने सुंदर हॉल में इतने सुंदर मन वाले और इतनी योग्यता रखने वाले कलाकार भाई बहन आप सभी को मेरा सादर नमन है। उमेश जी सभी को नमस्कार है। मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहूँगा
गायक संगीतकार होने के नाते परमपिता परमात्मा ने मुझसे प्रभु शरण आओ मेरे तो शिव बाबा एक प्लेटिनम जुबली सॉन्ग जो सोनू निगम जी से गवाया और अन्य कई एल्बम, वो सेवा करते समय जो मेरे अनुभव रहे वो मैं आपसे एक दो मिनट में शेयर करना चाहूँगा। बचपन से ये क्षेत्र होने के कारण गाना और संगीत निर्देशन और सब चलता रहा, मगर प्रभु शरण के समय में जो मुझे अनुभूति हुई वो परमात्मा की बड़ी दिव्य अनुभूति रही। इस मायने में विशेषकर कि जितना सभी ने उसको प्यार दिया है, गीतों को पसंद किया है, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कुछ मैंने बनाया है। परमपिता परमात्मा ने साक्षात वो काम मुझसे करवाया निमित्त बना के, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब भी बोरीवली सेंटर में आदरणीय दिव्या बहन और सतीश भाई सभी लोग, हम सब विवेक भाई, चांद मिश्रा जी सब लोग बैठते थे, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और ऐसा इसलिए कि मैं वहाँ जाके बाबा को पहले ही बाबा से मिलके यही कहता था कि बाबा ये एल्बम आपका है, मुझ में अगर कुछ अच्छा है आप निकलवा सकते हो तो आप ज़रूर करवाओ। और आप सच मानना कि उस भावना के कारण वो काफ़ी अच्छा बन पड़ा। और वर्तमान में हम एक एल्बम पे काम कर रहे हैं जिसमें हमारा प्रयास है कि लता मंगेशकर जी भी गाएं, किसी तरह समय दें, क्योंकि यज्ञ में उनके अलावा आशा जी, सोनू जी, सुरेश जी सभी प्लेबैक सिंगर्स ने बहुत बहुत गीत गाए, आप सब जानते हैं, रोज़ सुनते हैं, मगर लता जी ने अभी तक नहीं, उनका किसी भी कारण से संयोग बना। तो हमारा प्रयास है, अभी वो बोरीवली सेंटर पे वो एल्बम की तैयारी चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ भी, सबसे विशेष बात ये हुई कि जैसे ही हमने गीत सेलेक्ट किया, आप मानिए कि एक मिनट दो मिनट के योग के बाद जैसे मुझे कोई गुनगुना के बाबा धुन बता रहे हैं, प्रत्यक्ष ऐसा हुआ है। तो ये अनुभव मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि आप सभी कलाकार तो हैं ही, परमात्मा ने आपको विशेष गुण दिया है इसलिए आप आज बैठे हैं, हमारी मुलाकात हो रही है। मेरी ये छोटी सी बात, मेरा ये छोटा सा अनुरोध आपसे है कि अगर आप अपने आप को परमात्मा के सामने सरेंडर करके कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ आप हैं जो मुझे निमित्त बना के ये गीत बनवा रहे हैं, ये गायन करवा रहे हैं, ये फिल्म बनवा रहे हैं, निर्देशन करवा रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, डांस कोरियोग्राफ करवा रहे हैं, एक्टिंग करवा रहे हैं, तो आप सच मानिए आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आपके अंदर इतना कुछ था क्या, या आपने आज के पहले इतना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी क्या, आपको स्वयं अनुभूति होगी। मगर वो एक सच्चाई मन में ला के, अपने आप को परमात्मा की शरण में ला के, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करके आपको वो कार्य करना होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, गा के अपनी बात कहना ज़्यादा करता हूँ, तो कल मुझे समय दिया गया है। मैं आभारी हूँ कला विभाग का, हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का, दयाल भाई का, सतीश भाई का, दीदी का, दादी का, गोविंद भाई का, और बोरीवली सेंटर से जुड़ी हुई सभी बहनों का कि आपने इस लायक समझा और मुझे सेवा का मौका दिया। मित्रों, बाबा के कार्य में मेरी एक विशेष इच्छा है कि एक शास्त्रीय संगीतज्ञ होने के नाते अच्छा गायन और अच्छे तरीके से और हम योग के गीत गा सकते हैं, इसके बारे में अगर कोई भी और मुझसे मेरे अनुभव का लाभ लेना चाहे, सीखना चाहे कोई वर्कशॉप, तो मैं उसके लिए सदैव बाबा की सेवा के लिए तैयार हूँ। ये मैं इस मंच से अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता हूँ, और मेरे लायक कुछ भी सेवा होगी उसके लिए सदैव प्रस्तुत हूँ। पुनः आभारी हूँ इस मंच पे विराजमान इस पुण्यात्माओं का कि आप लोगों के समक्ष बैठने का आपने मुझे अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्राता हेमंत आचार्य जी का, आपने बहुत ही सुंदर गीत लिखे हैं परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी शुभकामनाएं जो आपके अनुभवों से हमें मिली हैं, तो हम सब भी आपके लिए यही शुभकामना रखते हैं
कि आप संगीत के क्षेत्र में ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ें, उसके लिए संगीत वही जो आने वाले कल को सुनहरा बना दे, संगीत वही जो आने वाले कल को सुनहरा बना दे, आत्मीय प्रेम भाईचारा बढ़ाकर हर भेद मिटाकर स्वर्ग धरती पर स्वर्ग उतार दे, धरती पर स्वर्ग उतार दे, धरती पर स्वर्ग उतार दे। भविष्य में आपका संगीत धरती पर स्वर्ग लाने में अतिशीघ्र लोगों के पास संदेश पहुंचाता हुआ उनमें परिवर्तन लाकर स्वर्ग धरती पर अवश्य उतारेगा ही उतारेगा। आपके अनुभवों को सुनते हुए मंच पर विराजमान हमारे भ्राता उमेश शुक्ला जी के मन में भी ईश्वरीय सेवाओं के लिए कुछ उमंग तरंग आ रही है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने उमंग तरंग को अभी अभी हमारे बीच में रखें ताकि सबकी ब्लेसिंग का ठप्पा उस पर लग जाए और आप ईश्वरीय सेवाओं में और आगे बढ़ते जाएं। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि जब मैं बैठ जाता हूँ फिर दो चीज़ याद आती है, तो यही एक चीज़ जो दो बात जो भी हेमंत भाई ने भी कही बहुत अच्छे से कही कि आप जो भी काम करते हो उसमें अगर आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो वो काम, अगर आप बाबा को आप अपने परमात्मा को सरेंडर कर देते हो तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। जो बात मैं एक अभी फिल्म कर रहा हूँ जिसका टाइटल मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, एक मिनट के बाद बताऊँगा। एक फिल्म के लिए मैं 4 साल से स्ट्रगल कर रहा था एक फिल्म बनाने के लिए जिसमें अमिताभ बच्चन साहब हैं फिल्म में, और 4 साल से मैं उनके पीछे लगा था कि आप फिल्म करो, ये सब्जेक्ट अच्छा है, आपको बहुत करेक्ट हो जाएगा, बहुत मेहनत की है लिखने में हमारे राइटर सौम्य जोशी ने और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, पर कोई ऐसी बात थी जो हमारा वो योग जो था वो हो नहीं पा रहा था। अभी वो फिल्म का शूटिंग शुरू हो गया है और ये शूटिंग शुरू होने के 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ही मैंने ये कोर्स शुरू किया, और कोर्स शुरू करने के बाद ये फिल्म का जो काम था वो इतना फास्ट हो गया कि मैं 4 महीने में अभी फिल्म रिलीज़ करने वाला हूँ। क्योंकि हर बार जब भी मैं बाबा के सामने बैठता था ध्यान में तो मैं यही कहता था कि अभी आप करो, मुझे नहीं करनी ये फिल्म। यहाँ तक में मेरे में नेगेटिविटी आ गई थी, पर बाबा ने कहा कि नहीं होगा, ये हो गया। जो बहनें कोर्स करवाती हैं और बाकी की भी जो मुरली सुनाने के लिए बहनें आती हैं, सब आपकी इतनी पालना करेंगे आगे जाकर कि आपको लगेगा कि आपको एक नया परिवार मिल गया है, और ऐसे काम हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी जो यहाँ की जो दादी जी है जानकी जी, उनकी आयु 102 साल की हुई है और मेरी फिल्म का टाइटल भी 102 नॉट आउट है, और ये फिल्म का टाइटल 4 साल पहले से भी इस फिल्म का टाइटल 102 नॉट आउट ही था, पर ये फिल्म बन कभी रही है ये साल में जब दादी की उम्र 102 साल हुई। सिर्फ ये बात शेयर करने के लिए मैं वापस आया था। ओम शांति। अध्यात्म क्षेत्र के बहुत अच्छे अनुभवों के बाद भ्राता जी को ये निश्चय हो गया कि 4 साल पहले जो फिल्म शुरू की थी जो नाम था, लेकिन जो है शुरू अभी 4 महीने के बाद होने वाली है, उसका रहस्य कि योग के द्वारा उम्र भी बढ़ जाती है और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण और उदाहरण हमारे आदरणीय जानकी दादी जी हैं। ऐसा आपने अनुभव किया और वो अनुभव शेयर किया हम सब से, तो अभी सभी कलाकारों का और मंचासीन वक्ताओं का धन्यवाद करने के लिए मुंबई से भ्राता ब्रह्मा कुमार अनिल जी पधारे हैं, आपको आमंत्रित करती हूँ। आप पिछले
44 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट विंग के मुंबई के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप लिटरेचर प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपकी अनेक विशेषताएं हैं जो समय प्रति समय आप संस्था में सेवाओं के रूप में देते रहते हैं और विशेष कला संस्कृति प्रभाग के इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए आप पधारे हैं और अभी आप सबका धन्यवाद करेंगे भ्राता अनिल जी। ओम शांति, ओम शांति। मैं प्रथम अपने प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा बाबा और साथ में हमारी शिव शक्ति स्वरूपा दादिया जिन्होंने संस्था की स्थापना की और आज उसके प्रांगण में आप सब पधारे हो और इतनी संस्था 140 देशों में फलीभूत होकर के ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्तियों द्वारा सत्युग की स्थापना कर रही है। तो हम सर्वप्रथम मैं परमात्मा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस संस्था के जो आर्ट एंड कल्चर विंग के जो मुख्य कर्णधार थे, आधार स्तंभ थे, हमारी उषा दीदी और उसके साथ में रमेश भाई जी का भी मैं एक अंदर से एक ग्रेटिट्यूड प्रदान करता हूँ, एक ट्रिब्यूट करता हूँ कि भाई जी ने इसी साल में अपना शरीर त्याग किया है, जो हमारी आर्ट एंड कल्चर विंग के हमेशा एक नए नए कला के द्वारा को कलाकारों को सशक्तिकरण करते थे, उनमें कई प्रकार की आभाएँ थी। तो वो एक प्रथम जो संस्था का जो गीत था, संगीत था, वो उनके घर में ही क्रिएट किया था और भाई साहब ने कई गीत के साथ अपने लेखन क्रिया भी बहुत अच्छी की थी। जो बहन जी ने बताया कि मैं प्रकाशन भी करता हूँ, तो मैंने भाई जी की दो किताब भी प्रकाशन की थी, पुरुषोत्तम संगम युग और संस्कृत सत्युग एवं संगम युग के कारोबार की झलक। तो मैं भाई साहब के लिए एक मिनट के लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे रमेश भाई के लिए और उसको कोटि कोटि वंदना भी करूँगा और उसके लिए उसको भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से 44 ईयर्स से ही उनके साथ में सेवा में संलग्नित हूँ आर्ट एंड कल्चर विंग में। ओम शांति। मैं आज के जो महानुभव मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका एक शब्दों द्वारा एक बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करूँगा। अपनी मधुर वाणी ग्रुप ने बहुत सुंदर रीति से अपने मधुर गीतों के द्वारा आप सबको मन बहलाया, ये मधुर वाणी ग्रुप का मैं बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ में अपने जतींद्र किंगरा ग्रुप की जो बहनें थे, बहुत मनमोहक नृत्य उन्होंने पेश किया और सबका दिल से स्वागत किया, मैं उन बालिकाओं का भी मैं बहुत हृदय से शुक्रिया करता हूँ। आप करतल ध्वनि से जोर से उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए अभिवादन जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी कुसुम दीदी ने अपने दिल की शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से स्नेह के गुलदस्ते सभी को दिए और साथ में आप लोगों को भी अभिवादन किया। तो मैं कुसुम दीदी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज की वो हमारी आर्ट एंड कल्चर विंग की मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और हर वक्त हर कलाकारों को वो उमंग उत्साह दिलाती हैं और प्रेरणा स्रोत बनकर रही हैं। इनकी तबीयत कितनी भी अच्छी न हो, फिर भी भारत के कोई भी कोने में वो अपने प्रोग्राम में लीडरशिप करके वो पहुंच जाती हैं। कुसुम दीदी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करेंगे। इसमें साथ में विशेष करके हमारे संजय भाई जिन्होंने अपनी संस्था का गतिविधि से अवगत कराया, बचपन से मैं संजय भाई को जानता हूँ, बड़े दिल से उमंग उत्साह से सेवा करते, हर कलाकार को वो प्रेरणा करते हैं कि आप मधुबन आओ और अपनी जीवन का भाग्य परिवर्तन करो। मैं संजय भाई का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स कहता हूँ, बहुत सुंदर रीति से उसने अवगत कराया। उस छोटी बात बताएं कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी बचाना जरूरी है, मैं कहता हूँ साथ में अपने संकल्पों भी व्यर्थ न जावे,
श्रेष्ठ और समृद्ध संकल्प करें परमात्मा की याद में, उसका भी जरूर ध्यान रखें, पर चिंतन भी न हो यहाँ। साथ में हमारी विशेष करके निर्मला दीदी ने, जो हमारी विशेष बड़ी दादियों की प्रतिमूर्ति के रूप में यहाँ रही हैं, मैं हमारी बड़ी प्रकाशमणि दादी की जो आभा थी मैं उसमें हमेशा प्रकट देखता हूँ। उनके आशीर्वचन आशीर्वाद से हम सबने जो लाभ लिए हैं, तो मैं निर्मला दीदी को बहुत बहुत हृदय के अंतकरण से उनकी शुक्रिया आभार वंदना करता हूँ। साथ में हमारे विशेष करके शशि दीदी, जो उन्होंने बताया कि जीवन में कलाकारों को एक भाईचारा के रूप में कार्य करना है, उन्होंने बहुत सुंदर बातें बताई। विशेष करके उन्होंने बताया कि जीवन श्रेष्ठ गुणवान होना चाहिए, रंग में रंग भी, जैसे कि हर आप विश्व भारत के विभिन्न कॉर्नर से आए हुए कलाकारों को एक गुलदस्ता है यहाँ आए हैं, तो उन सभी को एक बड़े प्यार से रहना चाहिए, वही संदेश दिया है, और सद्गुणों का श्रृंगार करना चाहिए, ऐसी उनकी शुभ भावना प्रकट की। शशि दीदी नहीं है फिर भी हम उनको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं विशेष अपने मेन मुख्य जो उमेश शुक्ला जी हैं, मैं अपने शब्दों से धन्यवाद नहीं प्रकट कर पाऊँगा, क्योंकि उसने अपनी बड़ी दिल की बातें यहाँ स्टेज पर बताई हैं, और जो अपने परिवर्तन की बात अच्छी बताई कि दिल में एक मकसद लेकर आओ कि हमें अपना कल्याण करना और विश्व कल्याण करना है, तो हम भारत को स्वर्ग नहीं विश्व को परिवर्तन कर पाएंगे। और उन्होंने अपने दिल के भावनाओं से जो उद्गार बताए हैं, वो एक हृदय में एक परिवर्तन की एक भावनाएँ उत्पन्न कर दी हैं। तो उमेश जी, आपको बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हेमंत आचार्य जी ने तो अपने एक बहुत सुंदर विचार प्रकट किए कि निमित भाव से मैंने जो एल्बम बनाया हुआ है कि कैसे निमित भाव हो, तो निमित भाव से क्या परमात्मा कराना चाहते हैं वो परमात्मा श्रेष्ठ कार्य करा लेते हैं। हेमंत आचार्य बड़े ही सोबर, निर्मल और बहुत ही एक दिव्य आत्मा है, और परमात्मा की टचिंग से बहुत सुंदर सुंदर गीतों बनाते हैं, जिनके सुंदर गीतों द्वारा हम परमात्मा को याद करते हैं। हेमंत आचार्य जी ने एक शब्द बहुत अच्छा, निमित भाव हो तो हर चीज़ श्रेष्ठ निर्माण होंगी। हेमंत आचार्य जी, आपका बहुत बहुत दिल से अभिवादन हो, हृदय का आभार हो प्रकट करता हूँ। विशेष मंच संचालन के लिए हमारी सपना बहन ने शेरों शायरियों से बहुत लोगों का महानुभवों का एक आदर सत्कार किया, सम्मान किया, शुभभावनाएँ शुभकामनाएँ, और उसने शुक्रिया भी अदा की, आपका भी और मंच का भी। आज विशेष में यहाँ जो आपके टीचर्स, जो भी विभिन्न सेंटरों से भारत देश से आए हुए स्टूडेंट्स आपको यहाँ लेके आए हैं, जो बिहाइंड द कर्टन है, मैं उनका भी एक बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों को तो ये सभा के श्रृंगार हो, आप जो आए हुए, उनका भी मैं दिल से शुभ भावनाएँ और दिल का आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ जो भी अपने विशेष ज्ञान सरोवर के डिपार्टमेंट से, जैसे कि भोजन डिपार्टमेंट, दूध डिपार्टमेंट, सब्जी डिपार्टमेंट, अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंटों का मैं दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ओम शांति। विशेष लाइट एंड साउंड और सभी का, जो जो रह गए हैं प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, मैं सभी का नाम सहित दिल से आभार प्रकट करता हूँ इस सभा और सम्मेलन को सफलतापूर्वक पार करने के लिए। ओम शांति। भ्राता अनिल जी का भी सब भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत थैंक्स। आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में हम सब की प्रेरणा स्रोत इस विंग की चेयरपर्सन आदरणीय गुलजार दादी जी भी याद आ रही हैं, जिनकी प्रेरणा से ही हमारे आदरणीय उषा दीदी जी ने और आदरणीय भ्राता रमेश जी ने इस विंग के कार्यभार को जिम्मेवारी से संभालते हुए आगे बढ़ाया और इतने हैंड्स तैयार कर दिए कि आज वो कार्य पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए उन सब विशेष आत्माओं का भी मंच की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।
भ्राता उमेश शुक्ला जी का सम्मान आदरणीय दीदी जी कर रही हैं। ईश्वरीय सौगात के साथ साथ टोली भी दी है। आदरणीय भ्राता हेमंत आचार्य जी का भी सम्मान दीदी जी कर रही हैं, टोली देकर के भी।